पढ़ोगे आप, फिर सेल डिवीजन के अंदर दो सब टॉपिक्स पढ़ोगे, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस. इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो लेट अस बिगिन विद अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, दैट इज द सेल डिवीजन एंड द सेल साइकिल. अच्छा, नाउ व्हाई द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर दिस सेल डिवीजन. ठीक है, तो आप देख सकते हो राइट साइड में आई हैव शोन यू द डायग्राम ऑफ हाउ द सेल डिवाइड्स. सो दिस पर्टिकुलर इज अ सिंगल सेल. ठीक है, एक सेल है ये और ये सेल डिवीजन हो रहा है. हाँ, लेट मी टेल यू, ये जो फेज हो रहा है यहाँ पे जहां पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, दिस इज नथिंग बट दिस एनाफेज एंड ऑल दिस थिंग्स. ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये हर एक एक ऐसे एक एक सेल्स है. अच्छा, हैव यू एवर थॉट कि जब भी आप कहीं गिर जाते हो या फिर आपको कहीं लग जाता है तो थोड़े दिन के बाद वो ठीक हो जाता है. तो वो ठीक कैसे होता है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस सेल डिविजन. इज इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? सो सेल डिविजन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप छोटे से बड़े हुए हो. यस, व्हेन यू वर बॉर्न यू वर वेरी स्मॉल, नाउ यू हैव ग्रोन वेरी टॉल. यस, तो ये कैसे हुआ है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस सेल डिविजन. सो सेल डिविजन प्रमोट्स ग्रोथ, इट ऑल्सो प्रमोट्स इन रिपेयरिंग ऑफ द सेल. ठीक है, इफ वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ वुंड, सो इट गेट्स रिपेयर एंड सेल डिविजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द वेयर एंड टेयर ऑफ अवर बॉडी. ठीक है, इन अवर बॉडी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. लेट अस टेक अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ आर बी सी, which is a red blood cell. तो ये जो red blood cells है, white blood cells है, ये जो platelets है, वो कुछ ही दिन तक जिंदा रहते हैं. Yes? जैसे कि अगर आपको RBC की बात बताऊंगी तो RBC सिर्फ 120 days ही जिंदा रहता है. Yes? उसके बाद वो dead हो जाता है. तो फिर नया RBC बनना चाहिए ना, तो वहां पे भी क्या होता है? Cell division होता है. So let us talk in detail about this cell division now. So growth and reproduction of all organism depends upon division and enlargement of cells. How growth? Growth के लिए मैंने अभी आपको simple example दिया कि when you were born you were very small. Now you have become very tall, है ना? अभी आप बढ़ के अब अपने मम्मी पापा को भी कुछ बच्चे तो इतने tall हो जाते हैं कि they cross their मम्मी पापा's height also. So it is all because of the cell division. ठीक है, next thing is reproduction. कैसे reproduction में cell division मदद करता है? तो let me tell you, you all are in the age of puberty. Puberty का मतलब होता है teenage. And in this teenage period, there is a development of reproductive organs. And reproductive organs start preparing the gametes. जो मेल चाइल्ड है, इट विल प्रोड्यूस द मेल गैमेट विच इज कॉल्ड एज द स्पर्म एंड द फीमेल चाइल्ड विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एग. ठीक है, तो ये जो एग और या फिर जो स्पर्म प्रोडक्शन हो गया, ये कैसे होता है? इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल डिविजन, दैट इज इट इज डन विद द हेल्प ऑफ मियोसिस. हाँ, प्लीज नोट डाउन करो, प्लीज नोट डाउन करो बच्चा लोग. द स्पर्म एंड द एग, आई एम रिपीटिंग, sperm and the egg is formed with the help of meiosis. ठीक है, अच्छा, sperm बन गया, egg बन गया, then you have learned about the process of reproduction में fusion, fertilization. ये आपने word सुना है. हाँ, reproduction का part is fertilization. So fertilization में क्या होता है? There is a union of male and female gamete, मतलब sperm and egg, to form what? To form zygote. Yes, अभी जो zygote होता है, ये भी एक single cell होता है. ठीक है, अब वो single cell से एक पूरा बच्चा तैयार हो जाता है inside the mother's womb. तो वो बच्चा कैसे तैयार होता है? It is formed again due to mitosis. समझ में आया बेटा? तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस जरूरी है और फिर उसके बाद जो जायगोट बढ़ेगा इनसाइड द मदर वूम, इट इज ड्यू टू द माइटोसिस. ठीक है, ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया रिप्रोडक्शन में.
हाँ, इन रिप्रोडक्शन गैमेट्स मतलब स्पर्म एंड एग आर फॉर्म ड्यू टू मियोसिस एंड द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ यंग वन बिकॉज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, अच्छा फिर आप मुझे बोलोगे कि बाकी के सेल में क्या होता है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप कहीं दौड़ कर जा रहे हो और आपको हाथ में लग गया, ठीक है, यू गॉट हर्ट, तो ये वुंड जो है वो कैसे हील होगा, इट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस। सेम अगर इफ समवन हैज गॉन थ्रू अ वेरी मेजर ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन करते वक्त कोई तो भी और कट किया समझो फॉर एग्जाम्पल, तो वो हील हो जाता है ना थोड़े दिन में, तो वो हील कैसे होता है, अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो इसका मतलब क्या है, ये जो माइटोसिस है वो हमारे सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है ऑल सेल्स, सारे सेल्स अपार्ट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेल्स। वेरी क्लियर, सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़ के जितने भी सेल हैं हमारे बॉडी में हम उसको कैटेगराइज करते हैं एज सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल के अंदर होता है माइटोसिस और मियोसिस होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों मैडम मियोसिस सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, तो आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज क्योंकि जो गैमेट्स बनते हैं बेटा वो हमेशा हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। यस, द गैमेट्स आर ऑलवेज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे अभी हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, वी आर हैविंग 46 क्रोमोसोम्स। नाउ जो गैमेट्स बनते हैं, जो स्पर्म और जो एग बनते हैं, दैट इज 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इज इट वेरी क्लियर, क्यों ऐसा, बिकॉज जब जब फ्यूजन होगा, जैसे 23 क्रोमोसोम का स्पर्म है, 23 क्रोमोसोम का एग है, तो जब वो फ्यूज होगा तब 46 क्रोमोसोम हो जाएगा, इसीलिए मियोसिस गैमेटिक गैमेट फॉर्मेशन में होता है। क्योंकि अगर गैमेट में भी माइटोसिस होता तो क्या होता, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं, 46 46 वाला, तो 46 प्लस 46 कुछ अलग ही टाइप का एलियन बन जाता है ना। इज इट वेरी क्लियर, सो इसीलिए मियोसिस सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स में होता है। ठीक है, सो अगेन कम बैक टू द पॉइंट वंस अगेन, सो आई टोल्ड यू इट हेल्प्स इन द ग्रोथ, इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, दे ऑल आर डिपेंडिंग अपॉन द सेल डिविजन एंड द एनलार्जमेंट ऑफ द सेल। So the mechanism of division and multiplication, see in biology, please note down, in biology division means multiplication only, we are not following the maths. आप सोचोगे कि मैम तो division बोल रही है तो number तो घटना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। Bio में जब भी आप बोलोगे कि cell is dividing, मतलब कि एक cell से दो cell हो रहा है, so division and multiplication is same in case of biology. So mechanism of division and multiplication of cell together is forming the constitute the cell ka reproduction. Yes, reproduction hum kisko bolte hain, jab ek cheez se dusra cheez form hota hai use hum reproduction bolte hain. To hum wahi term yahan pe bhi istemal kar rahe hain as a cell reproduction. Kyu bol rahe hain, kyunki ek cell se do cell banne wala hai. I hope I am very clear with the introduction part of cell division. Please, anybody of you can tell me, give me the answer in chat box. Please, anybody of you, message me in the chat box. Have you all clear with whatever I have told you? Yes. Very good. Yes, ma'am. Chalega beta. So we will proceed. Okay. I got it, bacha. I got it. Now, as I've told you, ye lesson mein you have to learn cell cycle, then you have to learn about the cell division. So let us move on to the first part, that is the cell cycle. Abhi cycle mein bol rahi hoon. If I'm telling anything as a cycle, to matlab usko continuous process hai. It is a continuous process. Theek hai? Therefore, I'm telling the word as cycle. So
cell cycle is the life period of a cell during which क्या क्या होता है. अभी देखो जो सेल डिविजन एक प्रोसेस है, मतलब एक सेल से दो सेल बनेगा, ठीक है. अगर एक सेल, अभी सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है बेटा, मैं बेटा बताओ, एनीबडी ऑफ यू अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी व्हाट आर द कंटेंट ऑफ अ सेल. सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या क्या होता है? यस वेरी गुड. न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन. ओके सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है. और अंदर के सेल ऑर्गेनल्स बताओ बेटा क्या क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया बताया, साइटोप्लाज्म. यस वेरी गुड. गोल्गी अपैरेटस, शाबाश, वेरी गुड. वैक्यूल्स, वेरी गुड, ठीक है, शाबाश. सो देखो अभी मैं क्या बता रही हूँ, ध्यान से सुनो. अब मुझे जब एक सेल से दो सेल बनाना है तो ये सारे ऑर्गेनल्स भी तो डुप्लीकेट होने चाहिए ना, तभी तो जाके दो सेल बनेंगे. इज दैट वेरी क्लियर? मतलब मेरे पास दो माइटोकॉन्ड्रिया रेडी होना चाहिए, मेरे पास दो वैक्यूल्स रेडी होना चाहिए, मेरे पास दो न्यूक्लियस रेडी होना चाहिए. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स तो रहता ही है, ठीक है. मतलब अगर एक सेल से मुझे दो सेल बनाना है तो उसके लिए मुझे प्रिपरेशन की जरूरत है, और वो प्रिपरेशन इज कॉल्ड एज अ सेल साइकिल. तो सेल साइकिल में क्या होता है, ऐसा पीरियड जिसमें सारा प्रिपरेशन होता है, और दूसरा पीरियड जहां पे एक्चुअल डिविजन होता है. Is that very clear? So cell cycle is made up of two part. एक part में जहाँ पे preparation हो रहा है, और दूसरे part में जो actual process हो रहा है, जैसे कि mitosis हो रहा है या meiosis हो रहा है, ठीक है. तो let us learn that in detail. So it is a life period of a cycle during which what does the cell does? It synthesizes DNA, means वो DNA replication करेगा, grow करेगा in size. And it will divide to form a two daughter cell. Yes, जो दो cell बनते हैं, एक cell से जो दो cell बनते हैं बेटा, वो नए cells को हम daughter cell बोलते हैं. अच्छा, जो cell growth है, हाँ, it is a continuous process. But DNA synthesis occurs only at a specific stage only. Yes, cell जो cytoplasmic increase है, वो तो हमेशा होते ही रहेगा. पर डीएनए का सिंथेसिस एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है. वो कौन से स्टेज में होता है, वी विल बी लर्निंग इन डिटेल. अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरीज इन ईच ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इन ईच सेल टाइप. अभी हमारे बॉडी में देर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल. हर सेल के अंदर सेल साइकिल कब होता है, कैसे होता है, दे ऑल आर बीन डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, ठीक है. वैसे ही सेल साइकिल ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ड्यूरेशन ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल दैट इज ह्यूमन सेल इज अबाउट 24 आवर्स. मतलब 24 आवर्स में साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जबकि ईस्ट में, यस ईस्ट में टेक्स 90 मिनट्स, क्योंकि वो सिंगल यूनिसेल्युलर है ना बेटा, इसीलिए. वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना सबको क्लियर है? यस. अच्छा, अभी आप मुझे बोलोगे कि सेल डिवीजन अच्छा तो है, ऑब्वियसली सेल डिवीजन है तभी तो हम ग्रो किए हैं. पर कभी कभी जब सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, मतलब ये साइकिल होते ही रहेगा, होते ही रहेगा, होते ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा. और कैंसर इज दैट वन टाइप ऑफ अ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ठीक है. तो कैंसर में आपने सुना है कि गांठ हो जाता है, यस. तो आउटग्रोथ दिखता है हमें, तो आउटग्रोथ क्यों दिखता है बेटा, क्योंकि वहां का पर्टिकुलर सेल का अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो गया है. मतलब वो रुकता ही नहीं है, सेल डिवीजन हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो रहा है, और होते होते वो क्या हो जाएगा, सेल का पूरा एक ढीक बन जाएगा, विच विल डेवलप इंटू अ ट्यूमर. इज दैट वेरी क्लियर? तो सेल डिविजन अच्छा तो है, बट इट हैज टू बी कंट्रोल्ड सेल डिविजन होना चाहिए. अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन कभी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट विल लीड टू अ डिजीज.
So let us see what are the phases of the cell cycle. Please note down. Note down करके रखो. I hope all are ready with the stationery or the writing material with you all. So cell cycle has two basic phases. They are interphase and M phase. Please note down. Cell cycle has two phases, basic phases. They are interphase and the M phase. Now you can see the diagram. Now see the look at the diagram now, all of you. ये जो पूरा पार्ट आपको नजर आ रहा है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा पार्ट इंटरफेज है और सिर्फ इतना सा पार्ट इज द एम फेज. इज दैट क्लियर? जैसे फॉर आई विल बेसिक एग्जांपल आई विल गिव यू. जैसे आपके घर में कुछ फंक्शन है, यस, वो फंक्शन की तैयारी करने में आपको 2-3 महीना लग जाता है, पर वो फंक्शन को होने में हार्डली आधा दिन जाता है. Yes, is that very clear? Same thing happens over here. Cell mitosis या meiosis को होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, पर ये सारा जो प्रिपरेशन है, ये सेल डिविजन के लिए जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. तो जो इंटरफेज है ना बेटा, इंटरफेज इज नथिंग बट दैट तैयारी, फंक्शन का तैयारी. अपना फंक्शन कौन है? एम फेज. इंटरफेस क्या है? ये तैयारी है, ये एम फेस की तैयारी की जाती है. एम आई वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इंटरफेस इज नथिंग बट द प्रिपरेशन, यस, वेयर एज एम फेस इज आइदर माइटोसिस और मियोसिस. ठीक है, तो या तो माइटोसिस होने वाला होगा या तो मियोसिस होने वाला होगा, उसके लिए पहले इंटरफेस होता है, और इंटरफेस में फिर वो माइटोसिस होने वाला हो या फिर मियोसिस होने वाला हो, उसका सारा प्रिपरेशन होता है. ठीक है, अच्छा, अब आप इंटरफेस को अगर ध्यान से देखोगे तो इंटरफेस के अंदर भी तीन फेजेस आपको नजर आएंगे. दे आर G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. मतलब क्या? ये जो प्रिपरेटरी फेज है ना, प्रिपरेटरी फेज में भी तीन फेजेस है. G1 फेज आप डायग्राम से और कलर से खुद समझ सकते हो कि G1 फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज. देखो आप ब्लू कलर कितना बड़ा सा है, और S फेज उससे थोड़ा छोटा है, और सबसे छोटा इज द G2 फेज. इज इट वेरी क्लियर? तो ये सब तीनों किस में आते हैं? इंटरफेज में आते हैं. एंड M फेज विच इज द स्मॉलेस्ट फेज, उसका ये सारा तैयारी है. ठीक है, now let us learn what happens in G1 phase, what happens in S phase and what happens in G2 phase, and let us know the full form of the same. G ka matlab kya hai, S ka matlab kya hai. Theek hai, so please note down. Aapne kya note down kiya? Abhi interphase, M phase note down kiya hi tha aapne. Interphase ko bhi teen part mein divide karo as G1, S and G2. इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेस्टिंग फेज. यस, क्यों उसको रेस्टिंग फेज बोल रहे? देखो माइटोसिस होने के पहले ये रेस्टिंग हो रहा है, फिर माइटोसिस, रेस्टिंग हो रहा है माइटोसिस, रेस्टिंग हो रहा है माइटोसिस, पर ये रेस्टिंग में एक्चुअल रेस्टिंग मतलब काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है बट प्रिपरेशन हो रहा है, देयरफॉर वी आर कॉलिंग इट एज अ रेस्टिंग फेज. ठीक है, so it is a phase between two successive M phase. So दो M phase के बीच का जो बीच का part है, that is called as a interphase. What happens in interphase? There is cell growth and DNA synthesis taking place. It lasts more than 95% duration of the cell cycle. ठीक है, please note down this part also. Interphase called as the resting phase. What is the definition of interphase? अगर आपको एग्जाम में पूछा है डेफिनेशन ऑफ इंटरफेज, तो वॉट यू आर गोइंग टू राइट डाउन द डेफिनेशन? इंटरफेज इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज. सो दिस विल बी योर डेफिनेशन. नेक्स्ट पॉइंट टेल्स दैट व्हाट हैपेंस इन इंटरफेज, देर इज अ सेल ग्रोथ एंड डीएनए सिंथेसिस टेकिंग प्लेस.
What is the third point telling you? It is the longest phase of the cell cycle. Hai na? Instead of telling that 95% duration, I can also say in another word that it is the longest phase of the cell cycle, which is highly active. Yes? Why active? Because it is preparing for cell division and therefore it is highly active phase. Chalo, now let us move on to the next one. As I've told you just now, it has three phases as G1 phase, S phase and G2 phase. Please note down the name. G1 phase is also called as gap period or first growth period. First gap period or first growth period. Or it can also be called as the anti-phase. Please note down, bachcha, G1 phase is also called as first gap period or first growth period or anti-phase. S phase ka full form kya hai? Synthesis phase ya fir synthetic phase. Jahan pe kuch ban raha hai, synthesis ho raha hai. Synthesis ka matlab hai kuch banna. G2 phase is called as second growth phase. Second growth phase. Or second growth period. Have you all note down? Yes. Now, let us talk about the first one, that is a G1 phase or the first gap period. Now let us see bit of what happens in this G1 phase. So it is a first growth phase. It is an interval between mitosis and DNA replication. You can see in the diagram very nicely and very clearly you can see it. So it is an interval between the mitosis and the DNA replication. What are the events which is happening in this G1 phase? So continuous growth of cell is happening. Growth of cell, not division, growth of cell is happening. Cell is becoming metabolically active, as I've told you, as I've showed you just now. So it is the longest phase, hai na? Sabse bada phase tha ye jeevan wala. Okay? To yahan pe kya hota hai? Bahut zyada metabolically active rehta hai cell, G1 phase mein. Prepares machinery for DNA replication. What do you mean by machinery? DNA replication आपने पढ़ा है बेटा 10th standard में? Have you learned about DNA replication? Yes, anyone? No. DNA replication किसी ने भी नहीं पढ़ा है. मतलब DNA कैसे divide होता है? DNA replication का मतलब होता है DNA कैसे divide होता है? नहीं पढ़ा है? अच्छा ठीक है, let it be. अच्छा. तो अभी आपको वो समझाने से अच्छा आई विल सिंपली टेल यू इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, यस ये सारे चीजें. और प्रोटीन बनाता है वो. प्रोटीन क्यों बनाता है? जिससे कि एंजाइम्स बनेंगे और एंजाइम्स बनेंगे तभी डीएनए रेप्लिकेशन में मदद हो पाएगा. ठीक है? सो इट प्रिपेयर्स मशीनरी. मशीनरी मतलब एंजाइम्स फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन. क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन होना जरूरी है ना. अभी आपने मुझे बताया कि एक सेल को दो सेल होने के लिए हमें सब चीज दो दो चाहिए. तो हमें डीएनए भी डुप्लीकेट करना है, मतलब कि डीएनए का रेप्लिकेशन करना है. तो डीएनए के रेप्लिकेशन करने के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत है. तो एंजाइम्स के बनने के लिए ये G1 फेज होता है. ठीक है? यस. सो एंजाइम बनने के लिए मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होना चाहिए और प्रोटीन सिंथेसिस होने के लिए हमें एमआरएनए की जरूरत पड़ती है, आरआरएनए की जरूरत पड़ती है और टीआरएनए की जरूरत पड़ती है. ठीक है? ऑल दिस थिंग्स यू विल बी लर्निंग इन योर 11th स्टैंडर्ड ओनली, बट अभी के लिए इतना ही याद रखो आप. ठीक है? नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? सिंथेसिस ऑफ आरएनए अभी मैंने आपको बताया एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस. ठीक है? कौन कौन से आरएनए होता है सिंथेसिस? एमआरआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए. वेरी क्लियर. G1 फेज सबको समझ में आ गया है? हाँ, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. अगेन आई एम रिपीटिंग, G1 फेज. G1 फेज इज द फर्स्ट गैप पीरियड और द फर्स्ट ग्रोथ पीरियड. यस,
when it start immediately after the cell division. यहाँ पे mitosis हुआ या meiosis हुआ उसके बाद ही जीवन start होता है. But what I can say, it starts immediately after cell division. Cell division मतलब mitosis या meiosis. हाँ, क्या क्या होता है, क्या क्या इवेंट होता है जीवन फेज के अंदर. सो इवेंट्स व्हिच टेक्स प्लेस इन जीवन फेज इज मेटाबॉलिकली द सेल इज वेरी एक्टिव. क्यों एक्टिव है? क्योंकि यहाँ पे आरएनए बन रहा है, आरएनए के टाइप्स बन रहे हैं एज एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए. प्रोटीन्स भी बन रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है. डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी एंजाइम्स है वो भी तैयार हो रहे हैं. सेल्स बहुत ही एक्टिव होता है और सेल्स यहाँ पे ग्रो करता है. Very clear. Now let us move on to the next phase, that is the S phase. Now, S phase, as the name suggests, synthesis phase. अभी इसके पहले वाले फेज में देखो आपने G1 phase में क्या पढ़ा. यहाँ पे आपने पढ़ा है, just one minute है बेटा, आपने पढ़ा it prepares for DNA replication. It is preparing for DNA replication in G1. फिर सिंथेसिस में क्या हो जाएगा? रेप्लिकेशन हो जाएगा. जीवन में प्रिपरेशन हो रहा था और सिंथेसिस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. वेरी क्लियर. नाउ द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, क्योंकि दो सेल बनने वाला है इसलिए वो डबल हो जाता है. बट द क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज्ड. ये क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता है इसीलिए तो माइटोसिस होता है. ठीक है. इन एनिमल सेल द रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म. यस, रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस. कहाँ पे होता है रेप्लिकेशन? डीएनए न्यूक्लियस में. और जो सेंट्रियोल है, व्हाट इज द यूज ऑफ द सेंट्रियोल? Can you tell me, centriole is a cell organelle. क्या काम करता है centriole? Anybody knows the answer? To join. क्या join करता है बेटा? Tell me, centromeres. 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 अच्छा, what is the centromeres and centrioles? What is the difference between centromeres and centriole? Centromere means it is the center part of any chromosome, and centromere means the part which joins two chromosomes. अच्छा, okay. अच्छा, I will tell you. See, centrioles क्या होता है ना बेटा? Afterwards in this particular lesson you will be learning. सेंट्रियोल्स मतलब जिसके ऊपर स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं और जो माइटोसिस में मदद करता है उसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं. इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेंट्रियोल इज इट्स देयर शुड बी टू सेंट्रियोल ऑन बोथ द पोल्स. दो पोल्स बनते हैं, दो अपोजिट पोल्स बनते हैं और सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट होता है. साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट होता है, इट इज नॉट डुप्लीकेटिंग इन द न्यूक्लियस. सो दो सेंट्रियोल बनेंगे, उसी के ऊपर स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होंगे और फिर क्रोमोसोम्स अटैच्ड होंगे उसके ऊपर. ठीक है. सो नाउ द नेक्स्ट फेज इज द जी टू फेज. जी टू फेज इज द सेकेंड ग्रोथ फेज. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे न्यूक्लियस का वॉल्यूम आप देख सकते हो इंक्रीज हो रहा है. नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम वेरी क्लियरली एंड नाइसली. सी टू माइटोकॉन्ड्रियाज आर बीन फॉर्म. व्हाट इज दिस फिगर? दिस आर द टू सेंट्रियोल्स. ये दो सेंट्रियोल्स हैं. नाउ सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड अगेन प्रोटीन कंटिन्यूज. आरएनए का सिंथेसिस तो जीवन से शुरू हुआ था, वापस यहां तक होता ही रहता है, प्रोटीन भी होता रहता है. एंड इज एंड नाउ द सेल इज प्रिपेयर्ड फॉर द माइटोसिस. ठीक है. सो जी टू फेज में अगेन द सेल इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव फॉर सेल डिवीजन. बहुत ही एक्टिव रहता है वो. प्रोटीन सिंथेसिस होता रहता है, आरएनए सिंथेसिस होता रहता है. यहाँ पे सेंट्रियोल्स यू कैन सी इट अपीयर्स. ठीक है, सेंट्रियोल्स रहेगा तभी तो माइटोसिस में वो काम देगा.
Very clear to all of you, beta? Yes. Now, next phase, as is, which is the most important phase, is the M phase. M phase is the, either it can be mitosis or it can be meiosis. Okay, so it is a division phase. M stands for mitosis or meiosis. Please note down, M stands for mitosis or meiosis. Okay, so M phase involves again two phases. M phase ke andar bhi do phases hote hain. Theek hai? Fir wo mitosis ho ya fir meiosis ho, dono ke andar do phases hote hain. Karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis ka matlab hota hai, karyo ka matlab hota hai nucleus. So nuclear division, nucleus ka division is called as karyokinesis. साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म का डिवीजन इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस. इज दैट वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? सो एम मींस इट कैन बी माइटोसिस आल्सो, इट कैन बी मियोसिस आल्सो. इन ह्यूमन सेल साइकिल इट लास्ट ओनली अबाउट एन आवर, सिर्फ एक घंटे के लिए होता है. और हमने देखा है कि पूरा सेल साइकिल होने के लिए 24 घंटा लगता है. Now M phase includes karyo and cytokinesis. Again, I will repeat all the things once again. So please have a just a recap. What we have learned just now? We have seen that our interphase is of G1, S, and G2, and M is either mitosis or meiosis. Okay? In G1 phase, what happened? The cell is metabolically active. यहाँ पे भी metabolically active, यहाँ पे भी metabolically active. यहाँ पे भी सिंथेसिस और आरएनए, और G2 में भी सिंथेसिस ऑफ आरएनए, G1 में भी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, G2 में भी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. ठीक है? यस, सिर्फ फर्क इस चीज का है. इन G1 देयर इज प्रिपरेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है? फिर एस फेज में क्या होगा बेटा? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा. ठीक है? द अमाउंट ऑफ डीएनए विल बिकम डबल. ठीक है? सेंट्रियोल भी आप देख सकते हो दो हो जाएगा, इट विल ऑल्सो डुप्लीकेट. बट फर्क क्या है? फर्क देखो, इन एनिमल सेल द रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का फर्क है. फिर हमने G2 फेज देखा, यहाँ पे भी सेल बहुत ही एक्टिव रहता है, इट इज मेटाबोलिकली एक्टिव. एंड व्हाट आई टोल्ड यू, यहाँ पे भी सिंथेसिस ऑफ आरएनए है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है, सेल कंटिन्यूस टू ग्रो एंड इट इज प्रिपेयरिंग फॉर आइदर फॉर द एम फेज. सो एम फेज कैन बी व्हाट? इट कैन बी द माइटोसिस और द मियोसिस. सो जस्ट हैव अ थिंग फॉर एम फेज. एम फेज के अंदर आपको क्या लिख के रखना है, नोट डाउन करके क्या रखना है कि एम फेज में भी दो फेज होते हैं, एज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज G0 फेज आल्सो. प्लीज नोट डाउन दैट. प्लीज नोट डाउन करो बेटा, G0 फेज. G0 फेज. Now what is this G0 phase? G0 phase का मतलब होता है कि कुछ cells जो हैं, they do not have gap phase. मतलब ये gap phase होता ही नहीं, G1 phase, G2 phase होता ही नहीं है in their cell cycle. But वो लोग थोड़े देर के लिए एकदम stop हो जाते हैं. Means some cells spend maximum part of their life in the gap phase only. समझा? मतलब वो लोग mitosis करते ही नहीं. So that period is called as the G0 phase. Okay? It is a resting phase also, you can say, in the cell cycle. G0 phase or the resting period in a cell cycle in which the cell exit in a kis mein chala jata hai? Quiescent stage mein chala jata hai. Quiescent state ka matlab hai ekdam. Quiescent means ekdam lambi neend pe chala jata hai. Ekdam sone ke liye chala jata hai. Yes? तो यहाँ पे G0 फेज में सेल इज नाइदर डिवाइडिंग नॉर प्रिपेयरिंग टू डिवाइड. ये याद रखो,
in the quiescent stage or in G0 phase, the cell is neither dividing, ना वो divide होता है और नहीं prepare होता है to divide. Very clear to all of you? So some of our cells, they go in G0 phase when there is, they are not required. Okay? And that is important also. You can see in the diagram now. Can you see this quiescent stage? All of you, can you see? So quiescent stage, just 1 minute, better. You can see very clearly in the diagram. Ye cell cycle se bahar nikal gaya hai. And this is the quiescent stage or the G0 phase. So now wo prepare ho raha hai cell division ke liye aur nahi cell division kar raha hai. Okay? You can see in the screen, on the screen, some cells do not show division. Example, heart cell. Many other cells divide only occasionally to replace the damaged or the dead cell. This is point is also very important. Her cell hamesha divide nahi hota hai. Jab bhi kuch replacement karna hai ya fir kuch damage hai ya fir koi dead cells hai, jab usko theek karna hai tabhi cell division karta hai. The cells that do not divide further, they will exit. Bahar nikal gaye. Huh? Kahan se exit hote hain? From G1 phase. They will exit from the G1 phase and they will enter into inactive stage, and this inactive stage is called as a quiescent stage or the G0 phase. Such cell remains metabolically active but do not proliferate. What do you mean by proliferate? They do not prepare anything. Proliferation ka matlab hota hai preparation. So they are active. जब भी चाहिए तो ये G0 से वापस G S फेज में आ जाएगा. G1 फेज को कंटिन्यू करके S में आके ये आएगा. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि G0 फेज में चला गया मतलब कि सेल डिवीजन खराब हो गया या टूट गया. यस, जब भी जरूरत लगेगी ये G0 से वापस G1 में एंटर होगा, S में होगा, G2 में होगा और माइटोसिस शुरू हो जाएगा. मीन्स ये स्टार्ट हो जाएगा. इट इज जस्ट लाइक अ कॉक, लाइक अ सर्किट, है ना. आपने स्विच ऑफ कर दिया है तो बस फैन बंद है. जैसे आपने स्विच ऑन किया ये सर्किट पूरा हो गया और फिर अगेन द थिंग्स विल स्टार्ट बाय देयर ओन. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. प्लीज नोट डाउन अबाउट दिस G1 फेज, G0 फेज आल्सो. हाँ, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. अगेन आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन बेटा. हाँ, आई हैव टॉट यू अबाउट G1, S एंड G2 एज वेल एज द M फेज. M phase is again made up of karyokinesis, मतलब कि division of nucleus, and cytokinesis, that is division of cytoplasm. I have taught you about G0 phase also. This G0 phase is also called as a quiescent stage. Huh? What happens in this? The cell do not show any division. Example is our heart cell. Many other cell divides only occasionally. बहुत सारे ऐसे सेल्स है जो quiescent stage में जाते हैं. हाँ, वो कभी division करेंगे whenever there is a demand for replacement or there is a demand for if there is more of dead cells. So cell that do not divide further, हाँ, if the cell has decided now I don't have to divide, so what they will do, they will exit from G1, they will exit from G1 into a inactive stage called as a quiescent stage or the G0 phase. You can see in the diagram very clearly. Such a cell remains metabolically active but do not proliferate. Okay, all of you very clear to all? Yes. Now I will just have a, I will tell about the mitosis today. Now please note down about the mitosis. Before learning the mitosis, please note down one more thing. Write down the heading as types of cell division. Types of cell division. Before writing this, please write down a topic called as types of cell division.
So write down, there are three types of cell division. This has not been included in my slide, so I'm dictating you. There are three kinds of cell division found in the animal cell. Three kinds of cell division found in the animal cell. Have you written this much? Yes, all of you, have you written this much? Yes. Okay. So write down what are that name. So they are a mitosis. A mitosis ka spelling kya aayega? A-M-I-T-O-S-I-S. A mitosis. A mitosis is also called as direct division. Direct division. Second, write down mitosis, which is also called as indirect division. Indirect division. And third, write down meiosis. Meiosis, it is also called as reductional division. Have you all written the types of cell division? Repeat, miss. Okay, I'm repeating, beta. Types of cell division. Heading is type of cell division. The first point I've dictated you is there are three kinds of cell division in animal cell. They are a mitosis, also called as direct division. Mitosis, also called as indirect division. And meiosis, also called as reductional division. Reductional division. Done, beta? Yes. Acha. Now put a star mark next line mein. Star mark dalo or next point likho. Likho heading as mitosis. Put a dash in front of it and write down. Seen in haploid and diploid cell. Next line mein likho meiosis. Put a dash. Seen in diploid cell only. I hope you know the meaning of haploid and diploid. Haploid ka matlab hota hai half set of chromosome and diploid ka matlab hota hai full set of chromosome. So, jo mitosis hai, wo haploid mein bhi ho sakta hai aur diploid mein bhi ho sakta hai. Jabki meiosis sirf aur sirf diploid cell mein hota hai. This can be asked for MCQ in the exam. Okay? There are some, there are some exceptionals also. अगर हम हनी बी की बात करेंगे, हनी बी की, तो आपने हनी बी में देखा है कि हनी बी के अंदर थ्री कैटेगरीज होती हैं, क्वीन बी, ड्रोन बी एंड वर्कर बी. तो जो हनी बी के अंदर जो ड्रोन बी होता है ना, ड्रोन बी इज अ मेल बी. ये जो मेल बी है ना, वो बिना फर्टिलाइजेशन के तैयार होता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस. ठीक है, जो मेल बी है ना, जो ड्रोन बी है, इट इज फॉर्म्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस. सो पार्थेनोजेनेसिस के वजह से जो मेल बी होता है, ड्रोन बी होता है, वो सिर्फ हैप्लॉइड होता है हनी बी के अंदर, जबकि क्वीन बी और वर्कर बी वो लोग डिप्लॉइड होते हैं. इसका मतलब क्या, इन केस ऑफ हनी बी the number of chromosome decides the sex of an individual. Agar aadha set of chromosome hai, matlab haploid set of chromosome hai, to wo male hai. Aur agar diploid hai, matlab full set of chromosome hai,
तो या तो वो फीमेल है या तो वो क्वीन भी है या तो वर्कर्स है, मतलब इज इट वेरी क्लियर? ठीक है, तो ये वर्ड आया था यहाँ पे एंड इट इज ऑल्सो बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, देयरफॉर आई हैव डिस्कस्ड दिस पार्ट ऑल्सो. देयर इज वन मोर एग्जाम्पल विच इज बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज अबाउट द मार्चेंटिया. मार्चेंटिया इज नथिंग बट अ लिवर वॉट. ठीक है, लिवर वॉट which you will be learning when you will be learning the kingdom plantae. Kingdom plantae ke andar you will be learning all the this thing divisions. So aap padhoge bryophyta karke division aap padhoge, uske andar aap dekhoge ki liverwort is an example which is called as a marchantia. To uske andar bhi this can also be asked in the exam for MCQ. So in Marchantia, haploid spores form gametophyte by mitosis. Matlab, spores se, haploid spores, haploid jo spores hai, matlab half set of jo spores hai, usse hi gametes bante hain by mitosis. Is that very clear? So this is also a different thing. Ki matlab spores se, half number of chromosomes se gametes tayar ho rahe hain, wo bhi mitosis. So this is an example which has been given in your textbook on page number 76 at the last, okay, which can be asked for the exam. I hope the things are very clear to all of you. So today I have taught you, I will stop over here, mitosis and all the types I will be teaching you in the next lecture. Today I have taught you about the cell cycle, I have taught you about the interphase, G1 phase, S phase, G2 phase, and M phase. With that, I have also taught you about the G0 phase, which is also called as a quiescent stage. And I have given you in writing about the types of cell division as a mitosis, mitosis and meiosis. With that, I have discussed about the drone bee and Marchantia also. Am I very clear with all of you? Okay. So in the next lecture, we will be learning the first type, that is a mitosis. Then we will be learning about the mitosis and meiosis. Theek hai beta? Now homework for all of you is to draw the cell cycle. See, a beautiful diagram has been given on your page number 76. I think so, same page. Theek hai? Please draw that diagram. If you don't have textbook with you, if in case you don't have textbook with you, all of you are having mobile, you can go to the Google, you can search for cell cycle diagram. You will get a beautiful diagrams on online and you can draw it. Okay? So I don't want any sort of excuse in the next lecture that you don't have textbook, you don't have PDF, this and that. All of you are having mobile. So you can search for a cell cycle diagram. Okay? You can search for a lined diagram instead of a colorful diagram. So in the line diagram, you will get a beauty, the diagram which you can draw with your pencil. And the diagram should be drawn only and only with pencil as you are 11th standard students now. Okay? And the diagram should not exceed more than 14 lines. So these are the important things which when I, if I, agar ye normal lecture hota, toh I must have drawn on the board and I've taught you the differences. So as it is a very simple diagram, you have to draw this diagram only and only in 14 lines and you should draw with a pencil only. Yes? So homework bhi clear hai aapko, topic bhi clear hai, theek hai? So please learn and keep this much. So we will stop now. Let me ask Pratibha ma'am. Pratibha madam, aap ho kya? Pratibha madam.